हेलो बच्चों कैसे हो आप सब लोग मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे स्वस्थ होंगे खेल कूद रह होंगे खूब कापी रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल में बच्चों जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई थी वो अनाउंसमेंट ये थी कि अगर आप नवोदय ग्रेड के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके इस तैयारी में आपकी हेल्प करने के लिए आपके लिए वीडियो सीरीज लॉन्च की जाएगी तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये सीरीज स्टार्ट हो गई है और इस सीरीज में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम हाँ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक को आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए दिमाग में इसलिए रखना है पढ़ने के बाद बिकॉज ये जो टॉपिक है बच्चों वो आपके बाकी के टॉपिक्स के लिए बेस तैयार करेगा यूं कह लें कि जब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझेंगे नहीं पढ़ेंगे नंबर्स को नहीं जानेंगे तब तक आप मैथमेटिक्स को समझ ही नहीं सकते हैं जी हाँ फंडामेंटल टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इस वीडियो में जो भी आपको बताया जाएगा यानी कि जो कॉन्सेप्ट का डिस्कशन होगा उसको ढंग से पढ़िएगा समझिएगा जहां ना समझ में आए वीडियो को बैक करके फिर से उसको वापस देखिएगा समझने की कोशिश करिएगा और कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब क्वेश्चन का डिस्कशन होगा तो क्वेश्चन के डिस्कशन में हर एक स्टेप को भी दिमाग में रखिएगा स्टेप्स कौन से फॉलो किए जा रहे हैं और इजिएस्ट वे में उसको कैसे सॉल्व करना है दूसरा जो आपको मेहनत करनी है सबसे ज्यादा वो ये है कि आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना है बिकॉज जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड ज्यादा होगी अच्छी होगी तो आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं यानी कि अगर वहां पे एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होगा मल्टीप्लीकेशन होगा डिविजन होगा तो आप इन फंडामेंटल ऑपरेशन को जल्दी कर पाएंगे और क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा टाइम भी आपका कम बचेगा जो कि टाइम बचाना बहुत जरूरी एग्जाम में बच्चों राइट तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे जो इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसको आप दिमाग में रखिएगा यही एक बेस तैयार करेगा राइट चलिए बच्चों इसमें देखते हैं पहले नंबर्स नंबर्स क्या होती हैं? ये जानना बहुत जरूरी है नंबर्स आप लिखते आ रहे हैं पढ़ते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं लेकिन एक्चुअल में नंबर जो है उसका रोल क्या है उसका एक तरीके से एप्लीकेशन क्या है यूज क्या है राइट तो आप यूज करते भी हो लेकिन आप उसको शायद ध्यान नहीं देते हो तो चलिए मैं उसको आपको यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहा हूँ एग्जांपल्स कुछ लिख दे रहा हूँ जो आप समझ पाओगे कि हाँ यार वाकई में हम यहाँ पे नंबर्स का यूज तो करते हैं डेली करते हैं राइट तो चलिए मम्मी से आप अगर बोल रहे हो भैया आज हमें Uh, मम्मी आज हमें आप चॉकलेट्स uh, चॉकलेट दिला दो कितनी चॉकलेट चाहिए आपको मान लीजिए फोर चॉकलेट चाहिए राइट चलिए फोर चॉकलेट्स राइट तो ये uh, फोर चॉकलेट्स हो गई अगर हम यहां पे बोले सिक्स आइसक्रीम्स सिक्स आइसक्रीम्स भी लेनी है आपको सेवन कैंडीज चाहिए आपको राइट तो देखिए इनका मतलब क्या है अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूं मैं आपको खिलाने वाला हूं मैं बिल्कुल नहीं दूंगा बिकॉज ये बच्चों आपके लिए आप जानते हो कि आप सब लोग इसको बहुत खाते हो आप इसको बहुत इंजॉय करते हो लेकिन आपको इसको ज्यादा खाना नहीं है चॉकलेट आइसक्रीम कैंडीज जो है ये सब आपको ज्यादा अगर आप इसको खाते हो तो नुकसान करता है राइट right? तो चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मैं अगर बोलू कि वन थाउजेंड पीपल्स इन स्टेडियम आप कोई मैच देखने गए हैं स्टेडियम में और आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे एक हजार लोग उपस्थित हैं राइट चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं खाने पीने के मामले में ही यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है टू लीटर्स क्या कोल्ड ड्रिंक क्या ले रहे हैं टू लीटर्स ड्रिंक राइट चलिए ये भी हो गया अब इसका मतलब क्या है सबका चलो बता देते हैं भैया आप देखो यहाँ पे बच्चों ये जो पार्ट है ना ये पार्ट ही क्या है नंबर है ये नंबर ही क्या बता रही है इसका यूज किस तरीके से हो रहा है यूज इसका दो तरीके से हो रहा है आप देखो यहां पे फोर चॉकलेट सिक्स आइसक्रीम सेवन कैंडीज थाउजेंड पीपुल्स इन स्टेडियम इसका मतलब क्या है मतलब ये है कि यहां पे काउंटिंग की जा रही है किसकी काउंटिंग की जा रही है पहले चॉकलेट्स की काउंटिंग की गई है फिर आइसक्रीम की काउंटिंग की गई है फिर कैंडीज की काउंटिंग की गई है स्टेडियम में उपस्थित लोगों की भी काउंटिंग की गई है तो यहाँ पे आपको ये जो फिगर लिखना पड़ रहा है वो फिगर ही क्या है वो क्या है टू लीटर्स कोल्ड ड्रिंक जी हाँ तो आप यहाँ पे टू लीटर्स कोल्ड ड्रिंक का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे टू नंबर यूज कर रहे हो ये आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आप नंबर्स को समझ पा रहे हो है ना अब देखो आप याद करो अपना बचपन जब आप सिर्फ आपको सिर्फ इतना याद है कि हाँ आपको चॉकलेट्स मिलती थी वो चॉकलेट्स आपके पापा लाके देते थे आपके बड़े भाई लाके देते थे या आपके कोई रिलेटिव्स लाके देते थे अगर आपके मेमोरी में सिर्फ ये है कि आपको चॉकलेट्स मिलती हैं राइट तो इसका मतलब आपको वो टाइम सिर्फ याद है जब आपको नंबर्स के बारे में नहीं मालूम है हाँ जब आप वो टाइम याद कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर याद कर पा रहे हैं कि यार मुझे चॉकलेट्स तो मिलती थी लेकिन कितनी चॉकलेट्स मिलती थी ये याद नहीं है यो याद इसलिए नहीं है क्योंकि आपको उस टाइम पे नंबर्स की नॉलेज नहीं थी हां बच्चों अब अगर आपको जब से आपने नंबर्स को जान लिया होगा और जिसने भी आपको गिफ्ट्स दिए होंगे जितने भी जिन लोगों ने भी चॉकलेट्स दिए होंगे जिन लोगों ने भी आपको पैसे दिए होंगे वो सब आपको एक नए एक तरीके से याद हो गया होगा क्यों याद है क्योंकि अब आप नंबर्स को जानने लगे हो उसको कैलकुलेट करना सीख गए हो है ना उसको आप पढ़ना सीख गए उसको समझना सीख गए हो राइट इसलिए अब आप आपको वो चीजें नंबर्स के साथ याद हैं फोर चॉकलेट सिक्स आइसक्रीम सेवन कैंडीज और ये चीजें अगर आपको बोला जाए बेटा जाके आप खुद दुकान से खरीद लो तो आप खरीद लाते हो दुकानदार आपको बेवकूफ़ भी नहीं बना पाता है क्यों क्योंकि अब आप नंबर्स को जान गए हो राइट तो अब आपको समझ में आ गया नंबर्स क्या नंबर्स यही हैं और इनका यूज क्या है बेसिकली यूज जो है है वो दो तरीके से एक है यहाँ पे पे काउंटिंग करना करना दूसरा यहाँ पे है मेजरमेंट राइट चलिए नंबर्स को समझ लिया अब देख लेते हैं कि नंबर्स को हम लिखते कैसे हैं नंबर्स को पढ़ते कैसे हैं इसके लिए कौन से सिस्टम को हम यूज करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली हम यहाँ पे आज के टाइम पे दो सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं राइट और जो आपके सिलेबस में एक तरीके से है वो ये है कि इंडियन न्यूमरल सिस्टम सिस्टम और इंटरनेशनल राइट तो सबसे पहले इंडियन न्यूमरल सिस्टम को पढ़ते हैं हम लोग इंडियन से हैं तो पहले इंडियन सिस्टम को पढ़ेंगे कि इंडियन में किस सिस्टम को यूज किया जाता है इसमें इस सिस्टम में जो नंबर्स को पढ़ा जाता है समझा जाता है वो किस तरीके से है ना चलो यहां पे एक एग्जाम्पल लिया गया है तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस न्यूमरल सिस्टम में यानी कि इंडियन न्यूमरल सिस्टम में नंबर्स में काउंटिंग का जो सीक्वेंस चलता है वो कुछ इस तरीके से कैसे बच्चों देखो वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स टेन थाउजेंड्स लैक्स टेन लैक्स करोड़ एंड सो ऑन ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं बहुत सारे सीक्वेंस चलता जाएगा क्योंकि काउंटिंग एंड नहीं होती है आप एंड कर ही नहीं पाओगे काउंटिंग करते जाओ करते जाओ है ना तो इस तरीके से ये चलता है आपके सिलेबस में आप जो भी नंबर्स देखोगे वो ज्यादातर लैक्स में होंगी टेन लैक्स में होंगी या करोड़ में होंगी है ना तो आप सिर्फ आप दिमाग में ये रखो कि ये टर्म्स इस तरीके से चलेंगे इनका सीक्वेंस इस तरीके से चलेगा राइट चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है थ्री थ्री फाइव थ्री फाइव सेवन एट सिक्स है ना बड़ी नंबर दिख रही है कैसे पढ़ेंगे कैसे लिखेंगे देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम इस सिक्स की बात करें हम यहाँ पे जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो क्या करेंगे राइट साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे है ना और देखिए ओवरऑल जो नंबर है वो क्या है हम यहाँ से पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे जो समझना स्टार्ट करेंगे इसको जो लिखना स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे राइट right साइड से करेंगे आपने पुरानी क्लासेज में यानी पिछले क्लासेज में पढ़ा जरूर होगा है ना तो अगर इस सिक्स को देखें तो ये सिक्स का मतलब क्या है ये सिक्स का मतलब है वंस है ना ये क्या है यहाँ पे वंस तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर क्या आता है डिजिट एट डिजिट आती है इसको क्या पढ़ेंगे टेंस पढ़ेंगे सेवन डिजिट आती है इसको क्या पढ़ेंगे हंड्रेड्स पढ़ेंगे फाइव डिजिट आती है इसको क्या पढ़ेंगे थाउजेंड्स पढ़ेंगे थ्री आता है इसको क्या पढ़ेंगे टेन थाउजेंड पढ़ेंगे फाइव आता है इसको क्या पढ़ेंगे लैक्स पढ़ेंगे और फिर थ्री आता है यहां पे टेन लैक्स पढ़ेंगे फिर यहां पे थ्री आता है करोड़ इसको पढ़ेंगे अब देखो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कंफ्यूज ये नहीं होना है कि यहां पे यार थ्री तो बहुत सारे हैं थ्री कितने थ्री टाइम्स यहाँ पे थ्री है तो सबके लिए हम यहाँ पे एक ही क्यों नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको सबके लिए यहाँ पे अगर डिजिट सेम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीक्वेंस भी सेम आ, सीक्वेंस में टर्म भी सेम रखना है नहीं बच्चों गलत हो जाएगा यहाँ पे थ्री है यहाँ पे भी थ्री है यहाँ पे भी थ्री है लेकिन इनकी प्लेस वैल्यू अलग है बेटा आपको यही ध्यान देना है जब आप ये चीज समझ जाओगे प्लेस वैल्यू को समझ जाओगे तो नंबर्स को करेक्टली आप पढ़ पाओगे समझ पाओगे और उसको लिख पाओगे है ना तो सीक्वेंस आपने समझ लिया इंडियन न्यूमरल सिस्टम में क्या सीक्वेंस है और उसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे राइट right? तो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं पहले के लिए वन फिर टेंस हंड्रेड फिर थाउजेंड्स टेन थाउजेंड लैक्स टेन लैक्स करोड़ टेन करोड़ ऐसे आगे बढ़ता जाएगा राइट तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा चलिए अब यहाँ पे दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है वो क्या है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू मैंने पे लिया कि आप डिजिट्स को भले सेम देख पा रहे हो लेकिन उनकी क्या होती है प्लेस वैल्यू डिफरेंट होती है तो प्लेस वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है अब यहाँ पे मैंने नंबर को छोटा कर दिया है ना लेकिन यहाँ पे भी थ्री जो है वो थ्री टाइम्स प्रेजेंट है समझने के लिए है कैसे देखिए इस थ्री को क्या पढ़ेंगे वंस पढ़ेंगे वंस पोजीशन पे है है ना तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी थ्री इंटू वन दैट इज थ्री और इस फाइव की जो पोजीशन वो क्या है टेंस पे है राइट right? तो फाइव इंटू वन वैल्यू क्या फाइव ये इसकी प्लेस वैल्यू है राइट right? ये क्या है हंड्रेड पोजिशन पे है थ्री इसको क्या करेंगे हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिला थ्री हंड्रेड इस थ्री की प्लेस वैल्यू क्या निकल कर आई थ्री अब आप देखो पहले जो थ्री हमने लिया उसकी प्लेस वैल्यू क्या है थ्री है यहां पे प्लेस वैल्यू क्या हो गई थ्री हंड्रेड हो गई अब देखो नंबर चेंज हो गया वैल्यू चेंज हो गया है ना तो ये किस वजह से हो पा रहा है प्लेस की वजह से ये डिजिट जो है वो नंबर में किस प्लेस पे रखी गई है इस वजह से यहां पे वैल्यू में चेंज आ रहा है लास्ट यहाँ पे थ्री जो है वो किस पोजिशन पे है थाउजेंड पोजीशन पे है है ना तो इसको आप क्या करोगे थाउजेंड से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो गया थाउजेंड तो देखो ये निकल कर आ गया इस नंबर में इस एग्जाम्पल में डिजिट्स को देखो तीन डिजिट तीन यहाँ पे मतलब थ्री टाइम्स यहाँ पे थ्री है लेकिन सबकी वैल्यू अलग अलग निकल कर आई एक की वैल्यू थ्री है एक की वैल्यू थ्री हंड्रेड है एक की वैल्यू थ्री, 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 थ्री थाउजेंड है और फाइव की यहाँ पे क्या है फाइव की यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फाइव टेंथ पोजीशन पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये फिफ्टी हो जाएगा राइट right? तो अब आप देखो नंबर निकल कर आ गया है ना प्लेस वैल्यू के साथ यही है प्लेस वैल्यू जब भी आप नंबर देखोगे तो वो नंबर क्या है डिजिट से मिलकर बना होता है और डिजिट्स की अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है और प्लेस वैल्यू आप कैसे बताओगे इंडियन सिस्टम में आप बता रहे हो तो उसका जो सीक्वेंस है सीक्वेंस क्या है वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड्स टेन थाउजेंड्स लैक्स टेन लैक्स ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है राइट आई होप आपको समझ में आ गया होगा दूसरा बच्चों में यहां पे क्या देखना है हमें फेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होगी नाम से आप समझ लो प्लेस वैल्यू का मतलब प्लेस प्लेस तो उसकी place की वजह से उसकी फेस वैल्यू का मतलब क्या है कि डिजिट क्या बताती है उस नंबर में डिजिट किस डिजिट को वो बता रहा है है ना तो अगर हम इस नंबर में फाइव को बोलें कि फाइव की फेस वैल्यू क्या होगी तो फाइव की फेज वैल्यू क्या होगी फाइव ही होगी थ्री की फेज वैल्यू क्या होगी थ्री ही होगी है ना जब भी फेज वैल्यू की बात आएगी जिस भी डिजिट की बात की जाएगी तो आप उसको वैसे ही बोल दो वो डिजिट ही उसकी क्या होगी फेज वैल्यू होगी नाम से आपको याद हो जाना चाहिए फेस वैल्यू मतलब जो लिखा गया है जो डिजिट है वही क्या है उसकी फेज वैल्यू है प्लेस वैल्यू मतलब जिस प्लेस पे रखी है जिस सीक्वेंस पे रखी गई है उस वजह से जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी प्लेस वैल्यू होगी समझ में आ गया बच्चों चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम को कैसे समझना है इसमें सीक्वेंस कैसे चलता है है ना तो चलो देखो यहां पे जो सीक्वेंस हमारा है वो क्या है वो है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड्स, मिलियंस टेन मिलियन अब आप देखो सिमिलरिटी ट वंस टेन्स हंड्रेड थाउजेंड्स टेन, टेन थाउजेंड यहाँ तक तो सेम है भाई यहाँ पे तो इंडियन आ, सिस्टम में हमने ये देखा है ना उसके बाद यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई यहाँ पे हम बोल रहे हैं हंड्रेड थाउजेंड्स फिर बोल रहे हैं मिलियंस फिर बोल रहे हैं टेन मिलियन है ना मतलब कि यहाँ पे जो बात की जा रही है लैख की टेन लाख की करोड़ की वो तो यहाँ पे ख़त्म हो गया वो टर्म यहाँ पे यूज नहीं किया जा रहा है यहाँ पे हंड्रेड थाउजेंड और

एट को क्या बोलेंगे हंड्रेड्स बोलेंगे सिक्स को क्या बोलेंगे थाउजेंड्स बोलेंगे को क्या क्या बोलेंगे बोलेंगे फिर हंड्रेड यहीं से कहानी थोड़ा से अलग हो गई बच्चों अब आपको यही ध्यान देना है टेन थाउजेंड के बाद क्या बोलना है हंड्रेड थाउजेंड क्या बोलना है हंड्रेड थाउजेंड्स फिर क्या बोलना है मिलियंस बोलना है फिर क्या बोलना है टेन मिलियन बोलना है है ना तो ये आपने वर्डिंग यूज करना है ये टर्म यूज करना है है ना जब आप नंबर्स को रखते हो तो उसकी सीक्वेंसिंग आपको इसी तरीके से रखनी है वहां पे आपको भूलना नहीं है अगर आप भूल गए तो इसका मतलब आप उसको गलत तरीके से पढ़ रहे हो है ना गलत तरीके से लिख भी आपको जब आप उसको पढ़ नहीं पाओगे इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब आप उसको गलत तरीके से लिखोगे भी है ना तो आप इसको अच्छे से दिमाग में रख लो कहां से चेंज आ रहा है यहां से चेंज आ रहा है हंड्रेड थाउजेंड मिलियंस एंड टेन मिलियंस राइट इसको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में आप रख लो चलो बच्चों आप देखते हैं पे, नंबर, संख्याओं के क्या होती है? ये भी जानना बहुत जरूरी है, है जिसको हंदी, हंदी में बोला जाता है तो नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जिनसे आप काउंटिंग करते हो है ना इनको हम क्या बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं और नेचुरल नंबर हमेशा क्या होती है वन से स्टार्ट होती हैं ये इन्फिनिटी तक जाती हैं यानी कि काउंटिंग तो मतलब इन्फिनिटी है ना इन्फिनिटी का मतलब ये है काउंटलेस मतलब आप काउंटिंग करते रहो काउंटिंग आपकी क्या रहेगी एंड नहीं होगी बढ़ती ही जाएगी है ना, ना तो इस वजह से क्या बोला जाता है कि काउंटिंग जो नंबर हैं यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या है वन टू इन्फिनिटी है और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन इज इक्वल ब्रैकेट में वन टू थ्री फोर फाइव मतलब ये जो सेट आप बना रहे हो वो क्या है नेचुरल नंबर का कैसे सिम्बलाइज किया जाता है कैपिटल एन से किया जाता है है ना और ये का, मतलब काउंटिंग एंड नहीं होगी इस वजह से यहाँ पे क्या किया गया डॉट 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 किया गया है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ फोर्टी फिफ्टी फाइव टू हंड्रेड टेन मतलब जो भी काउंटिंग नंबर जो भी आप मेजरमेंट कोई नंबर ले रहे हो आप मतलब आपके मेजरमेंट में वो नंबर हो आपके काउंटिंग में नंबर हो जितना आप मेजरमेंट करना चाह रहे हो जितना आप काउंटिंग करना चाह रहे हो जो भी आप नंबर यूज करना चाह रहे हो वो सारी की सारी नंबर आपकी क्या होगी नेचुरल नंबर होगी राइट क्लियर हो गया चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक मतलब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप पे होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं ये अब आप नाम से यहाँ पे नाम से समझते जाइए अगर आप नाम को समझ गए हेडिंग को समझ गए तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी आपको याद नहीं करना पड़ेगा कभी है ना होल नंबर्स अब देखिए होल नंबर्स मतलब कि संख्याओं को क्या करना है कंप्लीट करना है पूर्ण संख्या है मतलब उनको पूर्ण करना है तो कहाँ पे क्या अधूरा था भाई अधूरा ये था कि जब आप काउंटिंग नंबर्स बोल रहे हो और वहां पे वन से बोल रहे हो क्या बोल रहे हो वन से बोल रहे हो है ना हमारा जो नेचुरल नंबर रहा है वो क्या है वन से स्टार्ट होता है इंफिनिटी तक अब आपकी जो काउंटिंग है आपकी जो मेजरमेंट है वो सिर्फ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो होगी नहीं उसमें क्या होगा जीरो का भी इंट्रोडक्शन करना पड़ रहा है है ना जीरो जब मिलेगा तभी क्या होगा आपकी काउंटिंग कंप्लीट होगी तभी आपकी मेजरमेंट कंप्लीट होगी है ना तो इस वजह से जीरो का इंट्रोडक्शन जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं मतलब कि अब नंबर क्या है कंप्लीट है आपकी कैलकुलेशन हो सकती है अब आपकी कंप्लीटली मेजरमेंट भी हो सकती है है ना इस वजह से इसको क्या बोला जाता है होल नंबर बोला जाता है अगर इसको देखें कि कैसे इसको सिंबलाइज किया जाता है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और जीरो वन टू थ्री फोर फाइव डॉट 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 ऐसे लिख देते हैं है ना मतलब कि इसमें नेचुरल नंबर के साथ हमने क्या ऐड कर दिया जीरो एड कर दिया वही सेट क्या बन गया होल नंबर बन गया राइट right? क्लियर हो गया एग्जाम्पल देख लो फोर्टी फोर जीरो फोर्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव यह सब क्या है होल नंबर्स हैं ठीक है थेके? कोई फर्क नहीं है सिर्फ आपने क्या कर दिया नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दिया जिससे आपको क्या हो गया कंप्लीट नंबर्स मिल गई और आप कंप्लीट कैलकुलेशन uh, कर सकते हैं और कंप्लीट मेजरमेंट कर सकते हैं राइट चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में इंटीजर्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक तो ये क्या होते हैं भाई तो देखो यहां पर क्या है कि आपकी जो मेजरमेंट है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर से ही नहीं uh, मतलब कंप्लीट होती है है ना आप, आप जो काउंटिंग है वो तो आप पॉजिटिव से कर लोगे लेकिन आपकी जो मेजरमेंट है उसमें ज़्यादातर दिक्कत क्या आ रही उसमें आपको निगेटिव भी चीज़ें रखनी पड़ रही हैं है ना मेजरमेंट जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ एग्जाम्पल क्या लूँ मैं बोलूँ कि माइनस फोर डिग्री सेंटीग्रेड अब आप देखो ये टेम्परेचर है टेम्परेचर को मेजर किया जा रहा है टेम्परेचर निकल के आ रहा है माइनस फोर डिग्री सेंटीग्रेड है ना इसका मतलब है माइनस का मतलब क्या है एक तरीके से डिक्रीज का होना है ना प्लस, मतलब प्लस का मतलब क्या है इंक्रीज होना तो यहाँ पे जब इस तरीके के आ, आ, मतलब मेजरमेंट को आ, एक तरीके से बताना था कि भाई इसकी मेजरमेंट क्या निकल कर आ रही है तो वहाँ पे नंबर्स को यूज़ करना ज़रूरी था है ना एक सिंबल के साथ तो जब ऐसे नंबर्स को आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स का यूज़ होना लाजमी है मतलब कि आपको वहाँ पर एक तरीके से निगेटिव नंबर्स का इंट्रोडक्शन करना जरूरी है तो जब आप नेगेटिव नंबर्स जीरो पॉजिटिव नंबर्स इन सब का सेट रखते हो इसकी नॉलेज रखते हो तो वही क्या है पूर्णांक है वही क्या है इंटीजर्स है कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से है ना ये आप देख लो तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लो माइनस फिफ्टी टू जीरो माइनस वन सिक्सटीन एटी टू ये सारे के सारे क्या हैं इंटीजर्स हैं मतलब नेगेटिव नंबर्स को भी पॉजिटिव नंबर्स को भी जीरो को भी हाँ वो नंबर्स क्या होनी चाहिए Uh, सिर्फ ऐसे ही मतलब वहां पे डेसिमल uh, नहीं होना चाहिए वहां पे फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए ठीक है आपको सिर्फ नंबर्स ऐसे ही दिखनी चाहिए मतलब कि वो पूरी की पूरी क्या हो नेचुरल नंबर्स हो और नेचुरल नंबर्स के साथ वहां पे आप नेगेटिव नंबर्स को भी रख लें जीरो भी रख लें लेकिन डेसिमल और फ्रैक्शन नंबर नहीं होने चाहिए उनको छोड़कर जो सेट बनेगा वो क्या है पूरा का पूरा इंटीजर्स है पूर्णांक है क्लियर हो गया चलिए एक और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट दैट इज रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं ये क्या होता है भाई अब आप देखो इसमें क्या है कि एग्जाम्पल्स में ही मैं आपको समझा दे रहा हूं यहाँ पे सेवन बाई वन लिखा गया टेन बाई टू लिखा गया नाइन बाई टू लिखा गया और जीरो बाई वन भी लिखा गया है है ना इसको बाद में समझते हैं पहले आप देख लो डेफिनेशन क्या कहती है कि एनी नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू यानी कि किसी भी नंबर को अगर आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन बनेगा जो रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो बोला जाता है रेशनल नंबर्स ठीक है और देखो कंडीशन क्या है रेशियो ऑफ वन इंटीजर ओवर अनदर इंटीजर मतलब कि जब आप p बाई क्यू की बोल रहे हो तो यहाँ पे p भी इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर होना चाहिए अब देखो इंटीजर की बात आ गई ये P पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है उसी तरीके से Q भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है है ना इंटीजर होना चाहिए ये आप दिमाग में रखो ठीक है और एक कंडीशन क्या है Q शुड नॉट बी इक्वल टू इंटीजर जीरो क्या है इंटीजर है लेकिन कंडीशन लगा दी गई है कि जीरो सिर्फ नहीं होना चाहिए बाकी आप कोई भी इंटीजर रख लो अगर आप उन इंटीजर्स को इस फॉर्म में लिख पा रहे हो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पा रहे हो तो वो नंबर क्या होगी रेशनल संख्याएं बोली जाएंगी ठीक तो है इसका पी बाई क्यू फॉर्म में इसको आप कैसे लिख रहे हो सेवन बाई वन लिख रहे हो ये कैसे है टेन बाई टू लिख रहे हो ठीक है ये कैसे है नाइन बाई टू लिख रहे हो और ये क्या है जीरो बाई वन ठीक है थोड़ा सा अजीब है लेकिन बच्चों इसको फंडामेंटली दिमाग में रख लो जीरो बाई वन भी क्या है एक रेशनल नंबर है ठीक है क्या है ये एक रेशनल नंबर है ठीक है बहुत अच्छे से दिमाग में इसको रोग कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी आपसे कोई पूछ रहा है तो जीरो बाई वन क्या है एक रेशनल नंबर है जीरो क्या है एक इंटीजर है जीरो क्या है एक होल नंबर है लेकिन जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है क्लियर है तो जीरो बाई वन क्या है एक रेशनल नंबर है लेकिन बच्चों आपको ध्यान देना है आपको ये ध्यान देना है कि वन बाई जीरो नहीं करना है जब भी वन बाई जीरो पूछा जाएगा तो आप ये मत बोल देना कि यार ये तो पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जा रहा है है ना पी वाई क्यू फॉर्म में दिख रहा है ये पी यू हो गया ये क्यू हो गया चलो हो गया नंबर नहीं आपको कंडीशन नहीं बोलना है कंडीशन क्या है क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है ये जब होता है तो वैल्यू क्या है? आती है नॉट डिफाइंड आती है ठीक है क्या आती है नॉट डिफाइंड आती है ठीक है तो वन बाई जीरो क्या है रेशनल नंबर नहीं है लेकिन जीरो बाई वन क्या है रेशनल नंबर है अच्छे से दिमाग में इसको रख लें भूलना नहीं चाहिए कोई भी पूछे धड़ाधड़ आपको जवाब देना है इसमें कौन रेशनल नंबर है कौन इंटीजर है कौन वोल नंबर है कौन नेचुरल नंबर है राइट चलिए अब यहां पे देख लेते हैं कि इन नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं ये जो हमने टाइप्स पढ़े हैं जो नंबर्स पढ़े हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं जनरली इनमें किस तरीके की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है राइट right? तो चलिए यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है मैं एग्जाम्पल ही डायरेक्टली लेकर यहाँ पे चल रहा हूँ फोर फा, प्लस फाइव अगर आप ऐड करते हो तो इसका मतलब आप फाइव प्लस फोर जो ऐड करोगे वही रिजल्ट मिलेगा जी हाँ मतलब फोर में फाइव ऐड करो या फाइव में फोर ऐड करो इसका मतलब यही होता है तो ये जो आ, मतलब ये जो प्रॉपर्टी हम क्या बोलते हैं कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे ऑर्डर का मतलब नहीं है आप इसको ऐसे कर सकते हो ठीक है प्रॉपर्टी क्या है 4 5 5 4. आप इसको ऐड कर सकते हो लेकिन ये सब्टेक्शन में फॉलो नहीं होगा ठीक है सब्टैक्शन में नहीं सिर्फ क्या है एडिशन में फोर प्लस फाइव इज इक्वल फाइव प्लस फोर ठीक है क्लियर हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको ये दिमाग में रखना है कि किस तरीके से आप देखिए यहां पे मैं पहले एक तो क्लियर कर दूं जब भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ो चीजों को आपको पहले हेडिंग देखनी है हेडिंग क्या बता रही है उस वर्ड की मतलब उसका मतलब क्या है हेडिंग में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उनका मतलब क्या है है ना कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी कॉम्पिटेटिव की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए एसोसिएटिव मतलब बेसिकली क्या बता रहा है एक तरीके से एडिशन uh, को बता रहा है है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब ये बता रहा है कि आप एक तरीके से उसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो additive, identity, अब यहाँ पे वर्ड है मतलब किसी ने किसी आइडेंटिटी की बात कर रहा है है ना तो ये चीज है ये दिमाग में रखिए चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अगर देखें तो अगर मैं ये बोलूँ कि फोर प्लस है और इसमें मुझे थ्री भी एड करना है तो क्या रिजल्ट मिलेगा तो मैं ऐसा लिख दिया हूं या आपने ऐसा लिखा और आपके दोस्त ने बोला भैया आपने ऐसा लिखा चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं क्या लिखता लिख लेता हूं मैं ऐसे लिखूंगा ये ठीक है तो वो ऐसे लिख रहा है तो वो भी सही है आप भी सही हो ठीक है क्यों क्योंकि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मतलब ये जो रिजल्ट मिलेगा वो यही मिलेगा फोर प्लस फाइव करके थ्री ऐड करो या फोर प्लस थ्री एड करके फाइव ऐड करो रिजल्ट क्या मिलेगा सेम मिलेगा ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया बच्चों आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि जब आप ऐसे लिखते हो कोई नंबर सिक्स फोर प्लस थ्री ब्रैकेट में क्या है फोर प्लस थ्री है और ब्रैकेट के बाहर क्या है सिक्स है और इसका मतलब क्या होता है यहां पे इनटू का साइन लिया जाता है हा? तो इसको हम इस तरीके से रखते हैं सिक्स इंटू फोर प्लस यहाँ पे सिक्स इंटू थ्री ये भी आपके दोस्त ने इसको इस तरीके से लिखा और आपने इसको इस तरीके से लिख दिया तो मतलब क्या है यही है यानी सिक्स का मल्टीप्लीकेशन फोर के साथ भी होगा और थ्री के साथ भी होगा और उसको एडिशन कर लेना है राइट right? ये जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी चलिए बच्चों आप देख लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या है एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि नंबर में आप जब कुछ ऐड करोगे तो उसकी आइडेंटिटी क्या रहेगी बरकरार रहेगी बनी रहेगी उसकी आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी अब आइडेंटिटी का मतलब क्या है आइडेंटिटी का मतलब नंबर्स के साथ उसकी वैल्यू से है हाँ अगर हम यहां पे बोले कि मैं फोर में क्या करूं जीरो ऐड कर दूँ, तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी नहीं चेंज होगी ठीक है अगर मैं ट्वेल्व uh, में जीरो ऐड करूं तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी इसकी आइडेंटिटी क्या है बनी है तो आइडेंटिटी जो है वो बनी हुई है और uh, कब बनी हुई है जब आप जीरो ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी uh, किसकी वजह से आ रही है यहाँ पे जीरो की वजह से आ रही है तो एक तरीके से ये क्या हो जा रहा है एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट हो पा रहा है या यूं कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन इसको बोलते हैं तो जब भी बात आएगी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन तो वो क्या होता है हमेशा जीरो होता है जीरो को किसी भी नंबर के साथ जब आप ऐड करोगे उस नंबर की आइडेंटिटी क्या रहेगी बनी रहेगी कोई भी नंबर हो किसी भी चाहे वो आप नेचुरल नंबर लो चाहे इंटीजर लो कोई भी नंबर लो जिस भी नंबर के साथ आप जीरो ऐड करोगे उस नंबर की आइडेंटिटी क्या होगी बनी रहेगी वो चेंज नहीं होगी राइट क्लियर हो गया आप देख लेते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है आप यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो मल्टीप्लीकेशन के बाद नहीं चेंज होगी यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो एडिशन के बाद नहीं चेंज हो रही है और किस पर्टिकुलर नंबर की वजह से नहीं चेंज हो पा रही है जीरो है आइडेंटिटी में हम देखेंगे कि किसकी कि कि वजह से नंबर नहीं चेंज होगा मतलब क्या मल्टीप्लाई करें कि यहां पे वो चेंज ना हो ठीक है तो देखो यहाँ पे हम अगर फोर में वन का इंटू करें फोर में वन का इंटू करें तो क्या मिलेगा फोर मिलेगा ठीक है फाइव में वन का इंटू करें तो क्या मिलेगा फाइव में वन का इंटू करें तो क्या मिलेगा फाइव तो मिलेगा ठीक है माइनस फाइव में इंटू वन करें तो क्या मिलेगा माइनस फाइव मिलेगा यानी कि जिस भी नंबर में आप वन का इंटू कर रहे हैं उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो वन को हम क्या बोलेंगे वन को बोला जाता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ठीक है क्या होता है वन होता है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन क्या होता है जीरो होता है ये दो चीज़ बहुत दिमाग में रखिए एडिटिव एलिमेंट क्या है जीरो है एलिमेंट क्या है One है वन किसी भी नंबर के साथ आप ऐड करो एलिमेंट वो क्या होगा चेंज नहीं होगा किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी एलिमेंट को वो चेंज नहीं होगा और क्या है वो जीरो और वन है ठीक है ये अच्छे से आप समझ लो इसके लिए जीरो इसके लिए वन ठीक है आप बात करते हैं अच्छा देखिए यहाँ पे ये भी आप समझ लो ये जो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लीकेशन में भी होल्ड करेगी यानी कि आप फोर इंटू फाइव करो या फाइव इंटू फोर करो बात क्या होगी वही मिलेगा ठीक है तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होती है मतलब इसमें ऑर्डर का मतलब नहीं होता है फोर में फाइव का या फाइव में फोर का ठीक है अब देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि ऐसा नंबर ऐसा एलिमेंट जो उस पुराने नंबर को एक तरीके से उसमें ऐड होने पर ओवरऑल रिजल्ट जीरो दे दे ओवरऑल रिजल्ट क्या दे दे जीरो दे दे तो अगर मैं बोलूँ फोर फोर में क्या ऐड करेंगे इसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो यहां पे हम अपोजिट साइन को जब ऐड करेंगे माइनस फोर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा दैट इज जीरो तो माइनस फोर जो है वो क्या हो गया एडिटिव इनवर्स ऑफ फोर ठीक है फाइव लेंगे तो फाइव का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस फोर होगा उल्टा भी आप बोल सकते हो माइनस का माइनस फोर का एडिटिव एलिमेंट क्या होगा प्लस फोर ठीक है माइनस थ्री का एडिटिव इनवर्स क्या होगा प्लस थ्री क्लियर हो गया ये है एडिटिव इनवर्स जस्ट जिस भी नंबर का पूछा जा रहा है उस नंबर का अपोजिट साइन लगा दो उस नंबर के साथ वही क्या होगा उस नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा क्लियर है मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स भी देख लेते हैं Multiplicative inverse का मतलब ये है कि यहां पे हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि उसका ओवरऑल uh, वैल्यू क्या हो जाए वन आ जाए तो अगर हम फोर में वन बाई फोर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा वन मिलेगा क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे है ना दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले फाइव तो फाइव में वन बाई फाइव इंटू करोगे तो क्या मिलेगा वन मिलेगा या वन बाई सिक्स का अगर हम बोले कि वन बाई सिक्स का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा तो वो हो जाएगा सिक्स और वैल्यू क्या आएगी वन आएगी यानी कि यहाँ पे भी आपको उल्टा देखना है अगर फोर का है, पूछा जा रहा है तो इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो वन बाई फोर कर दो ये क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा और अगर वन बाई फोर का पूछ रहा है तो इसको सीधा कर दो मतलब कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले आओ वो क्या बन जाएगा फोर बाई वन यानी कि फोर राइट right? तो वन बाई फोर का फोर फोर का वन बाई फोर जिसका भी पूछे अगर फोर का मल्टीप्लीकेटिव यूनिवर्स है तो वन बाई फोर वन बाई फोर का मल्टीप्लीकेटिव यूनिवर्स है तो फोर ठीक है क्लियर हो गया I hope आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इनको दिमाग में रखिए बिकॉज ये आपके क्वेश्चन में भी इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाता है राइट right? तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं वॉट इज दी प्रोडिशन ऑफ नेचुरल नंबर वन प्राकृतिक संख्या वन का पूर्ववर्ती क्या है देखो यहाँ पे पे जीरो टू टेन डज नॉट एग्जिट ऑप्शन दिए गए हैं अब आप देखो डेफिनेशन में क्या मैंने बताया क्या पढ़ाया अभी कि नेचुरल नंबर जो है वो वन से स्टार्ट होती है वो मतलब वो उसमें एंड नहीं होता काउंटिंग आप करते जाओ है ना तो जीरो वन के पहले कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होती है। ये क्या होती है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होती है ठीक है तो आपको आंसर क्या देना है डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना है इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिकॉज नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होती है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वॉट आर दी थ्री कॉन्जिगेटिव प्रोड्यूसर्स ऑफ यहाँ पे सेवेंटी थाउजेंड टेन ये जो, जो नंबर दिया गया है वो क्या है सेवेंटी थाउजेंड दिया गया और पूछा जा रहा है कि सेवेंटी थाउजेंड टेन के कॉन्जिगेटिव प्रोड्यूसर्स क्या हैं यानी कि उसके पहले कॉन्जिगेटिव प्रोड्यूसर्स क्या हैं कौन सी नंबर्स आएंगी ऑप्शन यहाँ पे गिवेन है आप इनमें सही बताओ तो आप देखो क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि टेन के पहले क्या आएगा नाइन आएगा उसके पहले फिर क्या आएगा एट आएगा उसके पहले क्या आएगा सेवन आएगा इनमें देखो 9, 8, 7, ये क्या हो जाएगा अब एक यहाँ पे डबल जीरो है अब जब डिक्रीज होगा तो एक जीरो क्या होगा बढ़ जाएगा है ना तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो नाइन एट एंड सेवन क्लियर है बहुत अच्छे से आपको समझना है नाव देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर इज होल नंबर वन इज द लीस्ट होल नंबर जीरो दिमाग में इसको रखिए थोड़ा सा कंक्लूड करिए तो अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया है कि नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाती है तो पहले ऑप्शन को देखो एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर जी हाँ एवरी होल नंबर इज ऐच यहां पे होल नंबर की बात की जा रही है बोला जा रहा है कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर है सारी तो आपको पता है कि होल नंबर में जीरो भी है ठीक है तो जीरो क्या नेचुरल नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव तो है लेकिन क्या जीरो है नहीं है ठीक है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर ये आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल बिकॉज वन से स्टार्ट होता है ठीक है तो ये तो करेक्ट हो गया वन इज द लीस्ट होल नंबर ये आप बताओ यहाँ पे वन इज द लीस्ट होल नंबर क्या वन यहाँ पे लीस्ट होल नंबर है तो यहाँ पे लीस्ट होल नंबर नहीं है लीस्ट होल नंबर क्या है जीरो है राइट जीरो इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर तो ये नहीं है ठीक है तो ये आपको एक तरीके से यहां बताना है कौन सा कथन सत्य है ये भी क्या है रॉन्ग है और ये भी क्या है रॉन्ग है. है? है और ये क्या बोला जा रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर ये भी रॉन्ग है तो सत्य क्या है सत्य है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर यानी कि हर एक नेचुरल नंबर क्या है होल नंबर है राइट right? क्लियर हो गया तो ये आपको एक तरीके से क्लैरिटी दे रहा है कि आपने कॉन्सेप्ट किस तरीके से समझा है मतलब थ्योरेटिकली आपने इसको किस तरीके से समझा है इसमें नंबर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो समझना था कि हम नंबर्स को किस तरीके से ट्रीट करते हैं नंबर्स एक्चुअली में होता क्या है उनको यूज किस तरीके से करते हैं मैंने आपको बता दिया कि नंबर्स को कैलकुलेशन में उनकी काउंटिंग करने में यूज़ करेंगे या मेजरमेंट करने में यूज़ करेंगे दूसरा नंबर्स को लिखते किस तरीके से हैं किन सिस्टम को यूज़ करते हैं इंडियन सिस्टम है और इंटरनेशनल सिस्टम है राइट और इसमें इंपॉर्टेंट अब यही रह गया है कि नंबर्स के फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या हैं उनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करेंगे और कितने इजी तरीके से करेंगे कौन कौन से मेथड्स होते हैं राइट तो ये अगले लेक्चर में करेंगे फिलहाल इस चैप्टर पे बेस्ड और क्वेश्चन जो हैं वो आपको अमित सर समझाने वाले हैं अमित सर आपको बताएंगे कि इस पर आपके आने वाले एग्जाम्स में किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राइट तो क्वेश्चन को आप जरूर देखें हेलो बच्चो स्वागत है आपका मेरा नाम है अमित पटेल तो आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का नंबर सीरीज जो नंबर सिस्टम है और न्यूमरिक सिस्टम है उसके सवाल लेकर आया हूँ तो आइए हम अपना कारवा आगे बढ़ाते हैं और पहला सवाल ये है तो ये जो बेसिकली सीरीज़ है मैं आपको बता दूं कि इसमें हम आपके लिए सवाल जो है वो यहाँ इंग्लिश में लिखे होंगे पर मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगा ताकि दोनों तरह के बच्चों का भला हो जाए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनका भी और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनका भी तो ये पूरा सवाल जो है ये इंग्लिश में लिखा होगा पर मैं इसे हिंदी में पढ़कर समझाऊंगा और हिंदी में ही सवाल जो है वो सॉल्व कर कर बताऊंगा तो अगर आपको ये हिंदी में अलग से चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं कि क्या मैं इसी के साथ हिंदी भी लेकर आऊं कि इंग्लिश में भी सवाल हो हिंदी में भी सवाल हो तो आइए अब पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ये जो पहला सवाल है ये सवाल कह रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री कंजीक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज थ्री सिक्सटी फाइव यहां देखिए थ्री कंजिक्यूटिव नंबर की बात हुई है मतलब कि तीन नंबर जैसे कंजीक्यूटिव नंबर मैं बता दूं कि जस्ट बाद वाले नंबर को ही कहते हैं कंजिक्यूटिव मतलब कि अगर वन है तो उसके बाद टू आएगा थ्री आएगा फोर आएगा फाइव आएगा तो ये सब क्या है कंजीक्यूटिव नंबर है मतलब जस्ट बाद के नंबर मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो हमेशा क्या होगा वन होगा इन दोनों बीच इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा हमेशा वन होगा तो अब बोला है कि आपको बताना है कि उन तीन नंबर का सम क्या है सम का मतलब कि उन तीन नंबर को जोड़कर बताना है स्क्वायर बोल रहा था कि वर्ग तीन नंबर तीन लगातार नंबर का जो वर्ग है वो कितना था थ्री सिक्सटी फाइव तीन सौ पैंसठ था और आपसे पूछा है कि उन तीनों का जोड़ क्या होगा तो देखिए इस तरह के सवाल है ना इसमें अगर आप एक्स मानकर बनाते हो तब ये क्या होता है x मानकर बनाने से देखो दिक्कत कहाँ आती है कि यहाँ स्क्वायर भी करना है मतलब वर्ग भी निकालना है वर्ग थोड़ा सा कठिनाई देता है निकालने में जब आप x मान लेते हो तो निकल तो जाएगा चलिए अगर हम x मानकर बनाते तो कैसे बनाते ये होता है एक्स ये होता है एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू यही तो तीन नंबर है मेरा कन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर अब अगर हम इनका वर्क करें तो ये हो गया ये अब ये देखो ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाता और ये एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अब यहाँ से कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती क्योंकि ए प्लस बी और यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ता तो ये एक्स स्क्वायर अब ये क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू फोर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं बेसिकली जो कि है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यही होता मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब देखिए इसमें दिक्कत यहाँ आ जाता है कि ये ऐसा होता प्लस अब ये क्या होगा सिक्स एक्स प्लस और यहां से ये हो जाएगा सिक्स ठीक है तो यहां पर ये मेरा हो गया ये मेरा वन ही होता ठीक है तो ये मेरा हो जाएगा फाइव अब यहां पर आप कौन सा वैल्यू पुट करोगे एक्स में कि थ्री सिक्सटी फाइव आ जाए क्योंकि बोला है कि इनका सम क्या होगा थ्री सिक्सटी फाइव तो एक्स का वैल्यू अगर आप टेन रखोगे तो ये क्या हो जा रहा है मेरा टेन का स्क्वायर थ्री इंटू टेन प्लस अब यहाँ पे सिक्स इंटू टेन प्लस फाइव तो देखो तो क्या ये हो गया तो बिल्कुल ये हो गया थ्री सिक्सटी फाइव तो यहाँ से एल एच एस और आर एच एस मेरा बराबर आ गया मतलब कि इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा टेन होगा एक्स का जो वैल्यू है तो हम यहाँ पर टेन पुट करेंगे टेन फिर दूसरा नंबर क्या होता है इलेवन फिर दूसरा नंबर ट्वेल्व तो यहाँ से मेरा नंबर आ जाता थर्टी थ्री थर्टी थ्री था ऑप्शन बी में मेरा सही हो जाता देखिए इतना लंबा आप कर भी सकते हो क्योंकि जैसे आपको सही लगता है समय आपके पास भरपूर होती है बस आपको जल्दी जल्दी बनाना है पर जल्दी बनाते हुए गलती नहीं करनी है उसमें मतलब कि आप जो बना रहे हो वो सही बनना चाहिए चाहे आप ऐसे बनाओ या फिर देखो यहाँ 365 था ना तो मैं एक तरीका बताता हूँ 365 था यहाँ पर जो हमने क्या किया हम यहाँ पर कर रहे हैं बोल रहे हैं कि थ्री सिक्सटी फाइव है थ्री अब यहाँ पर तीन ही तो चाहिए हमें तीन सौ कब आएगा जब ये दस का स्क्वायर क्या होता है सौ होता है तो ग्यारह का स्क्वायर क्या होता है एक सौ इक्कीस होता है और बारह का स्क्वायर क्या होता है होता है ठीक है हमने यहाँ कंजिक्यूटिव नंबर तीन कंजीक्यूटिव नंबर से शुरू करा अगर ये बड़ा वैल्यू देता तो हम क्या करते एक शिफ्ट कर जाते नौ से स्टार्ट करते हैं पर आप यहाँ पे दस ग्यारह बारह जैसे ही इनको ऐड करते हैं क्या जाता थ्री सिक्सटी फाइव आप ऐसे ही बना सकते थे या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं ऐसे बनाओगे तो आपका आंसर हमेशा सही ही आएगा इसमें हो सकता है कि पहले इस वाले मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड ठीक है आप यहाँ पर हिट मतलब कि लगा कर देखते हो कि हो सकता है कि वो सही आंसर दे दे हो सकता है कि आपसे वो सही आंसर ना आए तो आपको सोचना पड़ता है और इस वाले में अगर एक्स मानकर बनाओगे तो आंसर आएगा ही आएगा आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ये सवाल देखिए बहुत आसान है और ज़्यादातर बच्चे इसको सही कर कर ही आते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपसे ही बन जाएगा तो देखिए यहाँ बोला है कि द यूनिट डिजिट ऑफ एन ऑफ द एक्सप्रेशन ट्वेंटी फाइव का पावर सिक्स सिक्स थाउजेंड ये सब ना देख कर डरना नहीं होता है क्यों क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट बोला है मतलब कि हमें इस पूरे से मतलब नहीं है इस पूरे से मतलब नहीं है यहाँ आप निकालने मत लग जाना इनका ये तो क्या करेंगे हम केवल फाइव तो देखो फाइव का पावर कुछ भी कर दो हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आता है फाइव ही आता है तो मतलब यहां का यूनिट प्लेस क्या हो गया मेरा फाइव समझ में आ गया फाइव का आप पावर कुछ भी कर दो मतलब कि फाइव का पावर एन एन का मतलब है कोई भी नंबर हमेशा ये क्या देगा ये लास्ट में यूनिट प्लेस जो है इसका ये फाइव ही होगा अब यहां एन जो है ना ये जीरो से बड़ा होना चाहिए क्योंकि जीरो अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा मेरा जीरो वन हो जाएगा किसी भी पावर का मतलब किसी भी नंबर का अगर पावर जीरो रखते हैं तो वो वन के इक्वल होता है ठीक है तो अब ये देखिए हमने ये देखा कि इसका क्या हो जाएगा फाइव अब देखो सिक्स के साथ भी वही बात है कि सिक्स का पावर कुछ भी रखोगे एन अगर जीरो से बड़ा है ठीक है तो ये सिक्स ही देगा लास्ट में अगर सिक्स का पावर कुछ कितना भी रखो वो क्या देगा हमेशा यूनिट प्लेस पे सिक्स ही देगा ये दोनों मिल गया यूनिट प्लेस अब यहां पर है हमें केवल थ्री देखना है इसका यूनिट प्लेस क्योंकि इसी का यूनिट यूनिट प्लेस प्लेस डिसाइड करेगा कि उसका प्लेस क्या होगा अब यहाँ फिफ्टी फोर है हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं फोर से क्योंकि ये चार के साइकिल में चलता है मतलब कि ठीक चार के पावर के बाद पावर फिर से रिपीट होने लगते हैं जैसे कि मैं बता दूं तो थ्री का पावर अगर वन करता तो थ्री होता थ्री का पावर टू अगर करता तो क्या होता नाइन होता अब थ्री का पावर अगर थ्री करता तो यूनिट प्लेस देखना है ट्वेंटी सेवन मतलब यूनिट प्लेस सेवन होता अब थ्री का पावर फोर करता तो फिर से थ्री मल्टीप्लाई करना पड़ता तो यहाँ यूनिट प्लेस वन आ जाता अब फिर से जैसे ही थ्री करोगे ना मल्टीप्लाई तो ये फिर से थ्री रिपीट होने लग जाएगा तो देखा आपने कि साइकिल क्या हो रहा है चार के बाद रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ फोर से डिवाइड कर लेते हैं इसको तो ये हो जाएगा मेरा ठीक है दो एक्स्ट्रा बच रहे हैं मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सेवन थ्री अब देखो फिफ इसको हम या लिख सकते हैं फिफ्टी टू प्लस टू ये देखो फिफ्टी टू वाला साइकिल तो रिपीट होके कट गया मतलब अब उसका कोई काम नहीं है क्योंकि वो साइकिल रिपीट होना है अब कहाँ टू पे तो अब हम यहाँ पे सेवेंटी थ्री का पावर टू कहते हैं मतलब थ्री का पावर टू क्या होता है मेरा नाइन तो अब मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा है ठीक है क्योंकि यहाँ साइकिल जो है वो रिपीट हो गई थी नाइन पे आ गई थी अब देखो इन दोनों को ऐड करोगे ना तो इलेवन प्लस मतलब कि यूनिट यूनिट प्लेस क्या आया जीरो जीरो है आंसर तो ये इकाई अंक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे तो इकाई अंक क्या होता है पांच का इकाई अंक पांच ही होता है छह का इकाई अंक पावर कुछ भी रहे अगर जीरो से वो बड़ा है तो वो हमेशा छह ही होगा और तीन वाले में क्या है वो साइकिल रिपीट होता है ठीक है तो यहाँ पर साइकिल रिपीट हुआ तो इसलिए हमने देखा कि दो केवल पावर ज्यादा है तो थ्री का पावर टू क्या होता है नाइन होता है तो नाइन हमने यहाँ पे लिखा अब आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ये सवाल थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है थोड़ा सा ये काफी अच्छा सवाल है मैं आपको पहले एक बार सवाल समझा दूं कि बोला है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ टेन बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट यहां बोलने का यह मतलब है कि मान लो कि कोई नंबर फिफ्टी टू है उसको रिवर्स करेंगे तो ये ट्वेंटी फाइव बन जाएगा ये तो अब इसको लिखोगे कैसे है? तो हम यहाँ लिख रहे हैं फिफ्टी प्लस टू ठीक है यही तो है मेरा तो अगर हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं फाइव इंटू टेन प्लस टू कर रहे हैं मतलब तो कोई नंबर अगर एक्स वाई मान रहे थे ये टू डिजिट का नंबर था तो इसको हम लिखते कैसे है? तो टेन एक्स प्लस वाई यहां तक आपको समझ में आ गया होगा क्यों टेन एक्स प्लस वाई लिख रहे हैं तो हम इक्वेशन पढ़ते हैं कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर दो अंकों दो अंकों का एक नंबर है उनका और अगर रिवर्स कर दें मतलब दोनों को उलट दें तो उनका जो जोड़ है वो क्या है उस नंबर का मतलब उनके जो डिजिट है ना मतलब उनको जब रिवर्स करके जोड़ दें उन दोनों नंबर को तो वो नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा हमें मतलब जो ही मिल रहा है कि स्क्वायर नंबर मिल रहा है तो आपसे बोला हाँ है कि हाउ मेनी सच नंबर देयर आर तो वैसे वैसे कितने नंबर पॉसिबल हैं तो मान लेते हैं लेट करते हैं कि पहला नंबर क्या मेरा टेन एक्स प्लस वाई है ये पहला नंबर अब क्वेश्चन कह रहा था कि इसी को भैया रिवर्स कर दो तो ये क्या हो जाएगा टेन वाई प्लस एक्स रिवर्स करने का मतलब ये एक्स इसके जगह आए ये इसकी जगह आया अब इनको जोड़ते हैं ये हो जाएगा इलेवन एक्स प्लस इलेवन वाई ठीक है अगर आप इलेवन कॉमन निकाल दो तो एक्स प्लस वाई अब देखो स्क्वायर करना है बोला है कि स्क्वायर तो यहाँ ग्यारह है मतलब कि एक्स प्लस वाई को भी क्या होना होगा ग्यारह होना होगा मतलब एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होना होगा ग्यारह तभी तो ये स्क्वायर बनाएगा ग्यारह इंटू ग्यारह तो ऐसे ऐसे अब कितने नंबर पॉसिबल हैं तो आइए निकाल लेते हैं पहले देखो ऐसे ऐसे कितने नंबर आप बोलोगे कि पॉसिबल है तो हम यहाँ पर एक एक डिजिट का ये नंबर है मतलब कि टेन और वन नहीं ले सकते क्यों क्योंकि टेन टू डिजिट का नंबर है तो एक्स का वैल्यू टेन नहीं ले सकते क्यों नहीं ले सकते उसका रीजन बता दिया मैंने क्योंकि एक डिजिट का ही नंबर चाहिए ये एक्स एक डिजिट है वाई एक डिजिट है तो फिर कहा से स्टार्ट करेंगे टू से तो एक नंबर होगा टू और नाइन तभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो इलेवन आ जाएगा दूसरा नंबर क्या होगा तो थ्री और एट अब हम घटाते जा रहे हैं बस इधर बढ़ा रहे हैं इधर में घटा रहे हैं एक एक घटा रहे हैं ये हो जाएगा फोर और ये हो जाएगा सेवन फिर क्या हो जाएगा फाइव और सिक्स अब देखो ये नंबर ना रिपीट होने लग जाएंगे फिर सिक्स फाइव आएगा ठीक है तो दो बार तो अब जैसे ही इसको आप ऐसे लिखते तो अब यहाँ पे सिक्स और फाइव हो जाता फिर क्या हो जाता है सेवन और फोर तो वैसे ही ये सारा नंबर रिपीट होने लग जाता तो मतलब यहाँ तक चार नंबर मिला और फिर इसको अगर रिपीट करके लिखते हैं मतलब इसको इधर इसको इधर करके तो और चार मिलता मतलब चार और चार क्या हो गया आठ तो ऑप्शन डी आठ नंबर है तो आई होप ये समझ में आएगा इसमें बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझना था दिमाग लगाना था और ये आंसर निकल कर आ जाएगा तो इस तरह के बेसिकली सवाल कभी पूछे जाते हैं ठीक है और ये आसान है बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है तो एक बार अब ये आपके नजरों से गुजर गया ना तो अब इस तरह के सवाल आपसे तुरंत बन जाएंगे क्योंकि आपने देख रखा है तो आपको पता है कि कैसे हम इस सवाल को बनाने के लिए जाएंगे तो आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ये काफी आसान सवाल है देखिए ये बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नाइन ठीक है नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एट्टी टेन फोर्टीन जीरो और एट ठीक है इनका प्रोडक्ट क्या होगा अगर जीरो है ना

अब बोला है कि लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर तो लार्जेस्ट नंबर लिखने के लिए हम जितना बोलता है ना उतना डिजिट में नौ लिख देते हैं तो ये सबसे बड़ा नंबर हो गया सबसे छोटा नंबर लिखने के लिए एक लगाते हैं और उसके बाद जीरो लगाते जाते हैं वो सबसे छोटा हो गया आपसे बोला था कि इसका डिफरेंस मतलब कि इन दोनों को अगर घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा यहाँ आया वन देखो हम चाहे तो आगे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि लास्ट में ना वन केवल ए में है ठीक है पर हम चलो सॉल्व करके देख लेते हैं तो ये हो गया जीरो फिर ये कटा हो गया जीरो, ये कटा हो गया जीरो ये में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको लिखने के लिए हम नाइन 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 मल्टीपल टाइम्स एड अगर पांच डिजिट बोलता है तो पांच बार नौ लिखते हैं अगर स्मॉलेस्ट बोल रहा है तो स्मॉलेस्ट में क्या कर रहे हैं वन के बाद जीरो लगा रहे हैं अगर टू डिजिट बोले तो दो ही तीन डिजिट बोले तो तीन चार डिजिट बोले तो चार ठीक है जीरो ऐड करते चले जाते हैं तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा फिफ्टी सिक्स है, है अब इसको कैसे बनाएंगे तो हम यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है बोला बोथ नंबर आर प्राइम ठीक है पहले तो बोल रहा है कि दोनों नंबर प्राइम होंगे फिर बोला बोथ नंबर आर मल्टीपल ऑफ फोर्टीन मतलब चौदह से गुणन चौदह से गुना हो जाएंगे ये चौदह के गुण फल है दोनों नंबर क्या है ऑड है तो आइए देखते हैं कैसे प्राइम नंबर प्राइम नंबर वैसे नंबर कहते हैं जिनका केवल एक मतलब दो ही गुणनफल हो ठीक है कौन सा गुणनफल तो मतलब एक वो नंबर खुद हो और दूसरा वो नंबर एक हो ठीक है तो केवल ये दो नंबर से ही डिवाइड होगा या इसका दो ही नंबर से वो डिवाइड होगा केवल एक से या वो नंबर खुद से तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत सारे नंबर से ये टू, टू के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है मतलब ये तो है नहीं ये ऑप्शन मेरा गलत है ये ऑप्शन देखते हैं ये ऑड भी नहीं है क्योंकि ये दोनों नंबर इवन है इवन नंबर आपको पता है कि लास्ट में जिसके जीरो टू फोर सिक्स एट होता है वो इवन कहलाती है और थ्री लास्ट में जिसके वन थ्री फाइव सेवन नाइन होती है ये ऑड कहलाती है ठीक है तो ये भी नहीं होगा अब देखो बोथ नंबर और मल्टीपल ऑफ फोर्टीन तो क्या ये फोर्टीन से है तो जब ये प्राइम नहीं है तो ये को प्राइम भी नहीं होगा ठीक है को प्राइम नंबर भी नहीं है ये तो ये नंबर क्या है फोर्टीन के डिविजिबल है तो ऐसे मेरा आंसर जो है वो सही हो जाएगा अब ये काफी आसान सवाल है और उसने पांच सौ रुपए का नोट दिया मतलब कि राम जो है वो किताब दुकान में गया उसने इतने रुपए की किताब खरीद ली और इतने रुपए की दवा खरीद ली मतलब दोनों एक ही जगह मिल रहा था और उसने पांच सौ रुपए का नोट निकाला दे दिया तो अब रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा मतलब अब राम को कितने पैसे मिलेंगे तो आप दुकान जाते हो तो आपको पता होता है तो आपको यहां पता होता है कि कितना अमाउंट होना चाहिए वहां पे मतलब कितना अमाउंट मिलना चाहिए आपको रिटर्न तो यहां पर हम क्या करेंगे पहले कितना अमाउंट उसने खर्च किया तो 178.50 248.25 ठीक है तो खर्च कितना किया तो फाइव सेवन सिक्स सेवन फाइव रुपीज उसने खर्च किया अब उसने पांच सौ रुपए का नोट दिया था यहाँ पे ठीक है पॉइंट के बाद आप चाहे कितना भी जीरो लगा सकते हो उससे नंबर कभी नहीं बदलता तो आइए घटा लेते हैं कितना मिलेगा उससे वापस अब यहाँ से ही वन कैरी आकर यहाँ गया था तो यहाँ पर क्या बचा नाइन बचा तो ये हो जाएगा मेरा थ्री यहाँ पे भी नाइन बचा तो ये हो जाएगा मेरा सेवन ठीक है ये कैंसिल आउट हो गया था तो सेवेंटी थ्री पॉइंट टू फाइव रुपीज तो देखो ये वाला ना हम पॉइंट टू फाइव जब आया था तब भी टिक कर सकते थे क्योंकि सारे ऑप्शन क्या थे पॉइंट फिफ्टी थे कि वो एक ही ऑप्शन पॉइंट ट्वेंटी फाइव था आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बोला फाइव डिजिट ग्रेटेस्ट ऑड नंबर टू बी फॉर्म्ड विथ हेल्प ऑफ सबसे बड़ा ऑर्ड नंबर बताना है आपको ठीक है मतलब जीरो जो है वो लास्ट में नहीं आएगा तभी वो ऑड बनाएगा तो अब जीरो जब लास्ट में नहीं आएगा तभी ऑड बनाएगा मतलब ये क्या ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ये नहीं होगा तो सबसे बड़ा तो नाइन सबसे बड़ा नंबर है फिर सबसे बड़ा नंबर ऐसे ही निकालते हैं सबसे बड़े वाले को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा से छोटा में लिख देंगे अगर इन नंबर को ये सबसे बड़ा बन जाएगा पर यहां एक और कंडीशन है कि आपको ऑड नहीं आपको ऑर्ड नंबर ही चाहिए इवन नहीं चाहिए मतलब ये जीरो लास्ट में नहीं आना चाहिए तो जीरो ठीक पहले आ जाएगा तो यहां पर फाइव फिर जीरो फिर थ्री ठीक है तो यहां पर है नाइन सेवन फाइव जीरो थ्री ऑप्शन सी तो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा अब इस पे आते हैं व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर ऑप्टेंड बाई मल्टीप्लाइंग फर्स्ट टेन प्राइम नंबर पहला टेन प्राइम नंबर मैंने आपको प्राइम नंबर बताया वैसे नंबर वो कहते हैं जो कि केवल अपने आप से या केवल एक से ही क्या होते हैं भाग लगते हैं तो पहला नंबर होगा टू फिर थ्री फिर फाइव फिर सेवन फिर एलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी नाइन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस नंबर होगा यहाँ पे अब आप भी क्या इतना करना पड़ता है एग्जाम में कि ये दस नंबर को हम मल्टीप्लाई करें फिर लास्ट में यूनिट प्लेस आए अगर देखो चार पांच पूछे ना तो आप सिर्फ यूनिट प्लेस को ही मल्टीप्लाई करते जाओ मतलब यहाँ से केवल वन पार्टिसिपेट करेगा इससे थ्री इससे सेवन इससे नाइन थ्री और ये बोला क्या होगा यूनिट प्लेस जब भी मल्टीप्लीकेशन में टू और फाइव प्रेजेंट हो ना किसी भी नंबर के मल्टीप्लीकेशन में टू और फाइव मतलब कि दो और पाँच जब भी हो और मन अगर हम गुना कर रहे हैं उन सब को तो ये जो यूनिट प्लेस होगा उसमें हमेशा जीरो आएगा ठीक है क्योंकि ये टेन बना देगा और टेन से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में जीरो ही होता है तो इसलिए इसका आंसर ज़ीरो होगा तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसे ही आसान सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे ये पेपर अच्छे से निकल जाएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा नवोदय में और हर कोई खुश हो जाएगा आपके सेलेक्शन से आप भी खुश होंगे आपके परिवार वाले भी खुश होंगे जो आपके पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है ये जो महीना है आप अच्छे से मेहनत करो इसको निकालो हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे आपका पेपर अच्छे से निकल जाए उसका पूरा प्रयास रहेगा कि हम वैसे सवाल ही आपको प्रैक्टिस के लिए लेकर आए जिससे आपका पेपर और अच्छा निकल पाए तो देखिए द नंबर ये बोल रहा है कि थर्टीन जीरो वन थ्री जो है वो तेरह से डिविजिबल है ठीक है अब बोला है कि वॉट विल बी द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर बिगिनिंग विद जैसे ये नंबर ऐसे स्टार्ट हुआ ना तो ये बोला कि चलो ये चौदह से कोई नंबर पांच डिजिट का हमें नहीं पता है पांच डिजिट का हमने ये लिख दिया ऐसे पांच डिजिट का नंबर बोला ये एग्जैक्टली होगा तेरह से डिविजिबल ठीक है आइए तेरह से डिवाइड करते हैं ये अब काफी आसान सवाल बन गया कि ये नंबर तेरह से डिवाइड हो रहा था तो बोला है कि सबसे छोटा पांच डिजिट का नंबर क्या होगा जो कि चौदह से शुरू हो और एग्जैक्टली exactly थर्टीन से डिविजिबल हो जाए वन लिखते हैं तो ये हो जाएगा मेरा थर्टीन यहाँ से अब अगर हम सेवन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा नाइन्टी वन ठीक है थर्टीन सेवन जै क्या होता है नाइन्टी वन होता है यहाँ से ये मेरा आ जाएगा नाइन्टी ठीक है अब सिक्स से डिवाइड कर देंगे तो जैसे ही सिक्स से डिवाइड करते हैं क्या हो जाता है ये सेवनटी एट यहाँ से ये बारह निकल कर आ गया अब हमें पता है सबसे छोटा हम यहाँ घटा तो नहीं सकते हैं क्योंकि सबसे छोटा पाँच डिजिट अभी फिलहाल पाँच डिजिट में जीरो जीरो जीरो, जीरो, जीरो जब लगाना तो सबसे छोटा निकालने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है तो अब हम इसमें कितना ऐड करेंगे कि ये थर्टीन से डिविजिबल बन जाए तो इसको निकालने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है कि रिमाइंडर को आप इसमें माइनस करते हो ठीक है इन दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो थर्टीन माइनस ट्वेल्व इजिक्वल टू वन हुआ अब वन जो है ना वो इसमें ऐड कर देते हैं तो फोर्टीन जीरो जीरो प्लस वन तो ये हो जाएगा मेरा फोर्टीन जीरो जीरो वन ठीक है ऑप्शन सी में है ऐसा तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा तो आपने देखा कि इसी तरह के सवाल आते हैं तो हम आपके लिए इसका एक दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे नंबर सीरीज का मतलब जो नंबर सिस्टम है उसका और उसमें हम आपको आगे बताएंगे कि और भी किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और ये पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट करा देंगे हर एक टाइप डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन का कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको बस करना ये है कि आपको वीडियो देखना है प्रैक्टिस करनी है घर में जितना ज्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओ उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है आप चाहो तो सरकारी परीक्षा पे आप कर इसका मॉक लगा सकते हो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा फायदा होगा आपको तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको पता चले नोटिफिकेशन वहाँ पर बेल आइकन पे प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी नई वीडियो आएगी अभी हम एक पूरा सीरीज ही चलाएंगे इस पर जहाँ हम हर एक टॉपिक आपका कवर होगा और आप अच्छे से तैयारी में मदद मिलेगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सबके साथ ये वीडियो शेयर करो तो आइए हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट जो कि मैंने आपको बताया था कि इसका एक सेकेंड पार्ट आएगा वहां हम कुछ और सवाल आपके लिए लेकर आएंगे और अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या है इसका अलग अलग जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनेगा कैसे बनेगा तो आइए हम शुरू करते हैं मेरा नाम है अमित पटेल और आप आए हैं सरकारी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तो देखिए ये ग्यारहवा नंबर सवाल हम दस सवाल पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम ग्यारहवा सवाल से स्टार्ट करेंगे तो ये जो ग्यारहवा सवाल है वो है कि वाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर ऑफ यूजिंग दिस वेयर ईच डिजिट कैन अकर ओनली वंस मतलब यहां पर आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है उसके बाद सबसे छोटा नंबर बनाना है और यहाँ कंडीशन ये है कि ये सब एक ये सारे नंबर क्या एक बार ही आने चाहिए ये नहीं कि आप एक नंबर को रिपीट कर दो तो पांच डिजिट तभी बनेगा जब पांच डिजिट लिखे होंगे तो यहाँ पांच डिजिट लिखे हैं आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप क्या करेंगे बड़े वाले नंबर के लिए सबसे बड़ा पहले लिखते हैं फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर, उस फिर सबसे छोटा ये मेरा ग्रेटेस्ट नंबर है मतलब कि सबसे बड़ा नंबर है अब स्मोलेस्ट नंबर कैसे लिखते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर में जब भी जीरो होना तो जीरो से कभी स्टार्ट नहीं करते क्योंकि अगर जहां नंबर के आगे आप जीरो लगा दोगे वो चार डिजिट का नंबर बन जाएगा तो हम जीरो से कभी शुरू नहीं करते हैं तो हम शुरू कहाँ से करेंगे तो उसके बाद जो सबसे छोटा है तो ये है मेरा थ्री फिर ज़ीरो लगा दो फिर सिक्स एट नाइन ये है मेरा सबसे छोटा नंबर आपसे पूछा है कि दोनों का भैया डिफरेंस बता दो डिफरेंस मतलब कि माइनस करना है इन दोनों को तो यहाँ हो गया वन देखो वन तीन के लास्ट में प्रेजेंट था तो इसीलिए ये तो नहीं होगा अब ये इन तीनों में से कोई भी हो सकता आगे सॉल्व करेंगे ये इससे कैरी चला गया था तो ट्वेल्व यह हो गया फोर अब देखो फोर भी ये भी नहीं होगा क्योंकि फोर इन दोनों में प्रेजेंट था अब फिर से एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा इसने इसको कैरी दे दिया था तो यहाँ फाइव बचा था तो फिफ्टीन में सिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा नाइन अब देखो नाइन भी दोनों में है तो चलो अब हम पूरा सॉल्व कर ही लेते हैं तो यहाँ इसने इसको कैरी दिया तो ये हो गया सेवन और यहाँ से ये ये नाइन ही बचा रहेगा तो सिक्स सेवन नाइन फोर वन तो सिक्स सेवन नाइन फोर वन केवल ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी मेरा क्या होगा सही हो जाएगा आपको बता दूं कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिए जाएंगे आपको ठीक है मतलब ओ एम आर सीट होती है वहां पर ऐसे गोलाकार होते हैं ए बी सी डी ऐसे लिखे होंगे आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे जैसे ही डी सही है आप डी वाला पोर्शन क्या करोगे ऐसे कलर कर दोगे ठीक है वहां आपको एग्जाम में बताया जाएगा तो आपको वो डरना नहीं है कि ये क्या नया चीज़ देख लिया कि क्वेश्चन है उसके चार ऑप्शन है वो एम आर सीट ऐसे ही रंगनी होती है ये कंप्यूटर आपका चेक कर देता है कि आंसर सही है कि नहीं तो ऐसे ही गोला बने होंगे हर एक में क्वेश्चन नंबर लिखा होगा आप बस उस पोर्सन को क्या करोगे कलर कर दोगे आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बोला व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ इसका प्लेस वैल्यू बताओ पाँच यहाँ पर ही तो है तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं तो पाँच गुने अब ये क्या जीरो पॉइंट वन है हाँ बिल्कुल जीरो पॉइंट वन है तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन है ऑप्शन सी अगर यहां पर होता पाँच तो हम पाँच लिखते प्लेस वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करते हैं जो नंबर है वो नंबर को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस प्लेस ये प्लेस क्या था ये प्लेस था मेरा वन बाई टेन अगर उसको आम दूसरे शब्द में कहें तो जीरो पॉइंट वन ये प्लेस क्या है मेरा तो ये प्लेस है मेरा वन बाई हंड्रेड ठीक है हंड्रेड कहते हैं इसे टेन कहते हैं इसे और ये वन से टेन 10 से हंड्रेड ठीक है तो ये मेरा सी सही हो जाएगा आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बोला वाट विल बी द सम ऑफ नंबर वन से ट्वेंटी फाइव देखिए जब कंजीक्यूटिव नंबर से लिखना हो ना कंजीक्यूटिव नंबर अभी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लगातार जो नंबर होते हैं एक के बाद एक वाले तो वैसे नंबर तो यहाँ आपको बोल रहा है कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स ठीक है इसको ट्वेंटी फाइव तक एड करके आपको आंसर बताना है कि कितना होगा ठीक है तो इसका एक फार्मूला होता है वो फार्मूला मैं बता दूँ तो सम का जो फार्मूला होता है वो होता है एन इन टू एन प्लस वन बाई टू ठीक है यहाँ पर एन क्या है ये नंबर है तो ट्वेंटी फाइव कितना नंबर है इनके बीच ये टोटल नंबर ठीक है तो टोटल यहाँ एक से ही स्टार्ट ही हुआ है तो अब मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं पच्चीस तो यहाँ से अगर हम सम लिखें तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव प्लस वन बाई टू मतलब ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी सिक्स बाई टू ये हो गया थर्टीन अब अगर ट्वेंटी फाइव को थर्टीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा फाइव ये सेवन ये फाइव टू तो फाइव टू थ्री थ्री ट्वेंटी फाइव ऑप्शन बी में है मेरा थ्री ट्वेंटी फाइव तीन सौ पच्चीस तो तीन सौ पच्चीस मेरा सही हो जाएगा आइए हाँ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं यहाँ बोला है कि इनमें सबसे छोटा कौन होगा ठीक है यहाँ चार नंबर दिए हुए हैं आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन होगा तो सबसे छोटा नंबर जानने के लिए पहले हम स्टार्ट करते हैं यह है सत्तर हजार सत्तर हजार सत्तर हजार सत्तर हज़ार मतलब ये नंबर पार्टिसिपेट अब नहीं करेगा क्योंकि यह चारों में बराबर है यह सात सौ सात यह सतर यह है सात सौ सत्तर और यह केवल सत्तर हमें तो पता है सत्तर सबसे छोटा होता है इसलिए ये वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा तो ये वाला ऑप्शन मेरा यहाँ पे है ऑप्शन डी तो ये मेरा क्या होगा बिल्कुल सही हो जाएगा तो इसी तरह के सवाल पूछता है आपको डरने की जरूरत नहीं है आप केवल बना कर जाओगे ना एक बार तो आपसे सारे सवाल बनेंगे एमोंग द फॉलोइंग नंबर्स अब इनमें से नंबर आपको बताना है ये जो चार नंबर दिया है ना आपको बताना है कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट थ्री इस इन चारों में सबसे बड़ा नंबर जो कि पाँच से डिवाइड होता हो देखिए पाँच से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में पाँच और जीरो लगा हो बस यही दो नंबर केवल पाँच से डिवाइड होंगे और कोई नहीं होगा तो ये नंबर तो होता नहीं अब देखो एक छोटा है ये तीनों नंबर हो रहे हैं पाँच से डिवाइड अब सबसे बड़ा नंबर कौन है तो डी सबसे बड़ा नंबर है तो डी मेरा क्या होगा सही हो जाएगा क्योंकि इन दोनों में ये तीनों नंबर पांच से डिविजल है क्योंकि लास्ट में जीरो है जीरो है और फाइव है ठीक है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बोला विच इज द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर दैट इज डिविजबल बाई सिक्स आपको बताना है कि सबसे बड़ा दो डिजिट का नंबर इसमें इन चारों में से सबसे बड़ा दो डिजिट का नंबर अगर यहाँ अमोक निकले तो सबसे बड़ा आपको बता देना है कि सबसे बड़ा दो डिजिट का नंबर क्या होगा जो छः से डिवाइड करता है देखिए सबसे बड़ा नंबर होता है नाइन्टी नाइन अभी आपको मैंने बताया कि बड़ा नंबर के लिए नौ नौ उतना ही बार लिख देते हैं जितना डिजिट बोलता है दो डिजिट बोला तो दो बार नौ लिख दिया अब सिक्स से डिवाइड कर लो ये हो जाएगा मेरा वन थर्टी नाइन सिक्स से हो जाएगा मेरा थर्टी सिक्स यहाँ थ्री आया थ्री को घटा देते हैं इसमें तो नाइन्टी नाइन माइनस थ्री तो यहाँ से हो जाएगा नाइन्टी सिक्स तो 96 है कहीं ऑप्शन में 96 तो ये मेरा सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि डिविजिबल होगा किससे सिक्स से अगला सवाल ये काफी आसान सवाल है देखिए पावर का कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा सा समझा दूँ अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है ना बेस बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं पावर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो अगर बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई वाले केस में तो उनका पावर को सिंपल ऐड कर देते हैं और वही अगर डिवाइड करना हो तो उनके पावर को सीधा माइनस कर देते हैं और वही अगर पावर ऐसे लिखा हो ना तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है ठीक है ये इस वाले कॉन्सेप्ट से ये सवाल बनना है 256 बताएंगे आप लोग कि किसका स्क्वायर होता है तो ये मेरा स्क्वायर होता है 16 का तो सिक्सटीन का स्क्वायर लिखा क्योंकि हम अभी और तोड़ लेंगे इसे सिक्सटीन किसका स्क्वायर होता है तो सिक्सटीन मेरा फोर का स्क्वायर होता है तो ये कुछ ऐसा हो गया अभी मैंने आपको बताया कि जब ब्रैकेट में हो तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है तो ये मेरा हो जाएगा फोर इंटू थ्री बाई फोर ये फोर फोर कैंसिल आउट हो गया फोर थ्री फोर का पावर थ्री होता है मेरा सिक्सटी फोर ठीक है ऑप्शन डी में है मेरा 64 तो 64 क्या होगा सही हो जाएगा तो बस आपको ये छोटे छोटे बातें याद रखनी है और आपसे सारे सवाल बन जाएंगे अब ये देखो ये भी काफी आसान सवाल है मैं समझा दूं कि देर आर फोर्टीन रॉ एक पार्क में चौदह रॉ है ठीक है फोर ट्वेंटी कार कैन स्टैंड इन एवरी रॉ एक रॉ है एक रॉ में मतलब वो जो लाइन होती है एक लाइन में तो एक लाइन में चार सौ बीस आ सकती है तो आपको बताना है कि वैसे वैसे चौदह रो हैं तो कितनी कार्य वहाँ खड़ा हो सकती है तो हम उसके लिए क्या करेंगे फोर ट्वेंटी और नंबर ऑफ रॉ को मल्टीप्लाई कर देंगे अब देखो लास्ट में क्या है ज़ीरो इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते थे चार सौ बीस बड़ा नंबर है उसमें अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वो उससे बड़ा ही देगा तो ये होता नहीं क्योंकि ये लास्ट में ज़ीरो था तो आंसर ज़ीरो ही आएगा तो ए मेरा सही हो जाता पर चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये हो गया मेरा एट फोर फोर जा सिक्स ये हो गया जीरो तो तो सही हो जाएगा आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं ये सवाल बस दिखने में बड़ा है आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि ये सवाल उतना भी कठिन नहीं है बोला टू ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट आर अवेलेबल इन पैक्स ऑफ टेन रुपीज एंड टी ट्वेल्व रुपीज दो अलग अलग ब्रांड है चॉकलेट का एक के पैकेट पे लिखा दस रुपए का एक एक के पैकेट पे लिखा बारह रुपए का एक अगर हम चाहे कि सेम नंबर ऑफ चॉकलेट फॉर ईच ब्रांड दोनों ब्रांड से सेम नंबर ऑफ चॉकलेट लेना अच्छा यहां पे पैसा नहीं लिखा है एक पैकेट में दस है और एक पैकेट में बारह है वो नंबर्स बता रहा है तो अब बोला के दिन व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पैक ईच ब्रांड वी वुड नीड टू बाय मतलब कि आपको ऐसे रखने हैं पैक मतलब एक मान लो ये ए चॉकलेट था ये बी चॉकलेट था तो एक में एक पैकेट में दस मिलते हैं एक में बारह मिलते हैं अब आप क्या करोगे चाह रहे हो कि इक्वल नंबर रहे दोनों का तो हम उन दोनों के इक्वल नंबर के लिए क्या करते हैं इसका पहले एलसीएम निकालते हैं तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा तो टेन और ट्वेल्व का जो एलसीएम है वो एलसीएम आप लोग निकालना जानते हैं इस वाले मेथड का यूज करते हैं हम लोग बेसिकली एलसीएम निकालते समय तो टू तो, तो ये फाइव और सिक्स ठीक है अब फाइव सिक्स या थर्टी थर्टी टू या सिक्सटी सिक्सटी हो गया एलसीएम अब इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे ही करेंगे मेरा क्या आ जाएगा फाइव इसको इससे जैसे ही डिवाइड करेंगे मेरा आ जाएगा सिक्स इसमें सिक्स आ रहा था और इसमें फाइव तो अब मेरा क्या होगा अगर हम छः ये वाला पैकेट ले लें तब भी मेरा इक्वल होगा किससे अगर हम पांच बारह वाला पैकेट ले लें तो यहाँ पर छ पैक ऑफ टेन है और फाइव पैक ऑफ ट्वेल्व है क्यों क्योंकि इन ये दोनों का मल्टीपल क्या होगा साठ ही बनाएगा ठीक है इसलिए हमने ऐसा लिखा तो हम कैसे निकालते हैं इसको तो एलसीएम निकाल लिया साठ आया तो अब इसको भी साठ बना दो इसको भी साठ बना दो तो सिक्स ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना साठ बनाने के लिए पाँच ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना साठ बनाने के लिए तो ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है अब सबसे लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं इन स्कूल देर आर टोटल ट्वेंटी सिक्स रूम एक स्कूल है उसमें टोटल छब्बीस कमरे हैं फोर प्लांट आर प्लांटेड इन ईच रूम एक रूम में क्या चार पौधे लगे हैं और ईच प्लांट नीड टू कप ऑफ वाटर हर एक प्लांट क्या दो कप ऑफ वाटर लेता है तो आपको बताना है कि टोटल कितना पानी देना पड़ रहा है कितना कप तो पहले हम चार पौधों का पानी निकाल लें तो चार तो पहले हम एक रूम में अगर चार पौधे हैं तो एक रूम में कितना पानी की जरूरत पड़ेगी तो एक रूम में पानी की जरूरत पड़ेगी फोर इंटू टू कप्स एट कप्स अब ऐसे ऐसे कितने रूम है तो ट्वेंटी एट रूम है तो ट्वेंटी एट इंटू एट हो जाएगा अब हम इसको मल्टीप्लाई अगर कर दें तो क्या आ जाएगा मेरा ये हो जाएगा four, चार प्लांट था हर एक प्लांट को ये। टोटल छब्बीस रूम है यहां पे। ये यह हो गया मेरा एट ठीक है तो 208 ऑप्शन में है 208 जीरो एट की क्या होगी जरूरत पड़ेगी हमने क्या किया पहले हमने एक रूम को निकाला कि एक रूम में कितना पानी की जरूरत है तो एक रूम में आठ कप की जरूरत थी वैसे वैसे कितने रूम थे 26 रूम थे तो 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा यहाँ से टोटल 208 निकल कर आ जाएगा तो ये था आपका नंबर सिस्टम जो हम पढ़ रहे थे ये पूरा नंबर सिस्टम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और हम नेक्स्ट वीडियो कोई और लेकर आएंगे तो थैंक यू और आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए शेयर करके अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए आप जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाएंगे तो हो सकता है कि आपके दोस्त का भी सिलेक्शन हो जाए आप दोनों एक साथ ही जा रहे हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तब भी आप लिखो अगर आपको कुछ और चाहिए या आप चाहते हो कि हम आपके लिए और कुछ अलग वीडियो लेकर आएँ क्या आप हिंदी इंग्लिश में अलग अलग चाहते हो मैं इंग्लिश के साथ ही हिंदी लिख कर लाऊँ वो सब आप कमेंट करके बता सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस, प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे अभी हम आपके लिए इस तरह के बहुत सारे वीडियो लेकर आएंगे जो आप काफ़ी हेल्पफुल होगी तो थैंक यू